अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सुल्तान, थिंक टैंक यूट्यूब फोरम से। एक बड़ी बहस चलती आ रही है, मैं बड़े बचपन से सुनता आ रहा हूं कि देसी मुर्गी अच्छी होती है कि वलायती मुर्गी अच्छी है। तो लेकिन इस वक्त पूरी मुर्गी इंडस्ट्री को डिस्कस करने के बजाय डायरेक्ट मैं इस मौजू पर आना चाह रहा हूँ कि देसी अंडा अच्छा है कि वलायती अंडा अच्छा है। इसमें मैं थोड़ी सी एक अपनी बैकग्राउंड बता दूँ। मेरा जो मास्टर थीसिस था बड़े साल पहले, वो कमोबेश इससे मिलते जुलते प्रोजेक्ट के ऊपर था और किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया था। आप मेरी गुफ्तगू सुनकर यह मत समझें कि जी मुझे किसी इंडस्ट्री ने पीछे से स्पॉन्सर किया हो। फिर वो जो तहकीक अपने वक्त की थी वो तो पूरी हो गई, ये 1984 की बात है। लेकिन अभी कोई 5 साल पहले एक दफ़ा फिर एक बड़ा मारूफ अखबार है लाहौर का रोज़नामा, उन्होंने मुझे इस मौजू पर कहा कि आप कुछ लिखें। तो मैंने सोचा कि लिखने से वो चीज़ डॉक्यूमेंट चुके होती है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी तहकीक इस पर पहले करनी चाहिए, तो मैंने वो की। अब उसकी रोशनी में क्या नतीजे सामने आए वो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। नाज़रीन, अंडे का तल्लुक तो गज़ाइयत से ही है ना, कोई शक्ल से तो नहीं है। तो शक्ल में वो पीला हो, वो सफ़ेद हो, वो ब्राउन हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सवाल जहाँ जाकर आएगा वो कैलकुलेशन होगी, वो उसकी गज़ाइयत पर होगी। अब गज़ाइयत कैसे कैलकुलेट होती है? गज़ाइयत को जांचने का तरीका हमेशा एक क्वांटिटेटिव होता है और एक क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि जिस चीज़ को हम नाप रहे हैं गज़ा पर, उसका वज़न कितना है, और क्वालिटेटिव ये है कि उसके अंदर गज़ाई अज्जा कितने हैं, यानी प्रोटीन कितनी है, उसके अंदर वाइटामिन कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं, और तवानाई कितनी है, फैट्स चिकनाइयाँ कितनी हैं। तो इन दोनों लिहाज से अगर हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज कर लें कि प्रोटीन, चिकनाई, पानी की मकदार, मिनरल्स या नमकियात और ये यानी वाइटामिन, ये सब चीज़ें दोनों अंडों में बराबर हैं, अगर मतलब उसमें भी है उसमें भी है, बराबर नहीं, बराबर मैं लफ्ज थोड़ा सा मैं दुरुस्तगी करूंगा कि क्वांटिटेटिव अभी बात नहीं मैं कर रहा, अभी कर रहा हूँ क्वालिटेटिव के। क्वालिटी वाइज जितनी हमें ज़रूरत अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के लिए रखी है वो गज़ाइयत दोनों अंडों से में मौजूद है। अच्छा, सवाल आएगा यहाँ क्या वो कितनी कितनी है। अगर मैं आपसे ये कहूँ जो कि आम दुनिया में बात बनी हुई है कि देसी अंडा जो है ना वो ज़्यादा ताकतवर है और वलायती कम, तो नाज़रीन मेरी तहकीक ये कहती है कि ये बात ना सिर्फ इसके उलट है बल्कि 3 गुना का फ़र्क है। यानी क्या कैसे कि वलायती अंडा जो एक है वो 3 देसी अंडों के बराबर है गज़ाइयत की के लिहाज से। और वो कैसे 3 के बराबर है, तो सीधी से बात है, मैंने पहले कहा कि ये ताल्लुक जो है चूँकि उसकी वज़न के ऊपर होता है, तो देसी अंडे का वज़न होता है जी 40 ग्राम, हद हो गया 45 ग्राम। वलायती अंडा जो है उसका वज़न जो है वो शुरू ही तकरीबन 55 ग्राम से होता है और वो 75 ग्राम और समटाइम्स 80 ग्राम तक चला जाता है, बल्कि यूरोप अमेरिका में 90 ग्राम के अंडे भी हैं। अच्छा जी, एक तरफ 40 हो दूसरी तरफ 80 हो तो डबल हो गया ना। इसका मतलब है कि अगर प्रोटीन उसमें 1 है तो वलायती में 2 है, अगर उसमें वाइटामिन जो है ना वो 10 हैं उसमें 20 हैं। तो ये है क्वान्टिटी, उसका मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ। अच्छा, अगर ये इस तरह चीज़ है तो एक फैक्टर और सामने रखें तो फिर आपको वलायती अंडा देसी से 3 गुना ज़्यादा सूटेबल या आपके लिए मुआफ़िक नज़र आएगा, और वो है इसकी कीमत। अब जाहिर है कि एक चीज़ जो है देसी अंडा वो इस वक्त 30-31 रुपये में मिल रहा है और जो वलायती अंडा है उसकी कीमत 16-17 रुपये होती है। तो अगर हम कमों बेश इसको डबल समझ लें तो इसका फिर ये मतलब हुआ कि एक जो वलायती अंडा आप लें, एक देसी अंडा जो लेंगे उसके मुकाबले में आप, सॉरी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप एक वलायती अंडा लेंगे तो उसी कीमत में, उसी गज़ाइयत में, उसी क्वालिटी में आपको 3 गुना ज़्यादा चीज़ें वलायती अंडे से मिलेंगी। तो फिर नाज़रीन ये किसी, ये मत समझिए इस बात को कि ये बात ऐसे ही हवा में कर दी गई है, इसके पीछे पूरी तहकीक मौजूद है। और अब थोड़ी सी अपनी जो पुरानी नस्ल है उसके हम एक और कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है जी कि देसी जो है ना वो खाएं तो मज़ा आता है,
उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है, और वलायती जाएँ तो वो फूका फूका सा लगता है और वो सफ़ेद सफ़ेद सा लगता है, जबकि वो पीला पीला सा है। अच्छा, अब आधे रंगों के ऊपर या उसके टेस्ट के ऊपर, नाज़रीन आपने देखा होगा कि हमारी जो जिस नस्ल ने देसी घी खाया हुआ है उसको आज भी बेशक नहीं मिल रहा देसी घी, लेकिन आप जब देंगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो बचपन से उसकी टेस्ट बट जो है ना उसकी आती है। लेकिन जिसने कभी सारी जिंदगी देसी घी चखा ही नहीं, उसको यानी नौजवान नस्ल है, उसको जब आप एकदम से देसी देंगे तो उसको सबसे पहले तो स्मेल से ही वो परे हट जाएगा, क्योंकि वो उसके ना दिमाग के अंदर सेटिंग नहीं है उसकी टेस्ट की या उसकी खुशबू की। तो हमारी ये जो नस्ल है ना पुरानी, जिसमें हमारे बुजुर्ग भी शामिल है, वो जो है ना वो देसी अंडे को अच्छा इसलिए समझते थे कि वो जब से उन्होंने हुई संभाला तो इसी को खाते चले आ रहे थे। जब नया नया वलायती अंडा आया तो उन्होंने देखा ना लो ना तो इसका रंग है और फोका फोका उन्होंने खुद से तसव्वुर कर लिया, तो इसलिए करके वो ये एक मिथ जो है या एक गलत फहमी चलती रही कि जी देसी अच्छा होता है वलायती। अच्छा, अब इसमें पब्लिक की तरफ आ जाए, ताजरों की तरफ आ जाए, ताजर जो होते हैं ना वो हमेशा इस मामले से पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं कि पब्लिक सोच क्या है, लिहाजा उन्होंने यूं करना शुरू कर दिया कि जी सफ़ेद अंडे को ब्राउन रंग देना शुरू कर दिया, या मुर्गियां जो है ना ऐसी ली जिनके अंडे हैं वलायती लेकिन वो अंडे उनके ब्राउन होते हैं, तो इसलिए करके उन्होंने आवाम को धोखा देने की खातर इसको बेहद महंगा कर दिया। तो इस यूट्यूब चैनल से जो पैगाम मेरा आखिरी है वो ये है कि आप इस गलतफहमी में मत पड़ें कि देसी अंडा ज़्यादा ताकतवर है और वलायती कम है, जबकि पैगाम रिसर्च कहती है कि वलायती 3 गुना ज़्यादा ताकतवर भी है और सस्ता भी है उससे। तो इसमें एक चीज़ फिर किसी वक्त इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो बात करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं जी वलायती मुर्गियाँ ये खाती हैं और देसी ये खाती हैं तो वो हराम हो जाता है, वो हलाल है, तो ये हराम हलाल पर फिर इंशाल्लाह किसी वक्त बात करेंगे। बहुत शुक्रिया तवज्जो से मेरी बात सुनने का।